हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के काला आसुर में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यह है मारुति ओमनी। अब इसमें मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें मिस्टेक आ रही है, गाड़ी सुबह सुबह इतनी भयंकर मिसिंग करती है और स्लो में नहीं रुक रही। मतलब यानी स्लो में जैसे अपन स्टार्ट करते हैं ना इसको, और स्लो छोड़ते हैं, एक्सीलेटर छोड़ते हैं। देखो मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक सेकेंड। ये देखो दोस्तों, अभी मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया। अब ये देखो पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है इसकी बहुत भयंकर। ये देखो पूरी तो बॉडी वाइब्रेट कर रही है। और ये जब भी अपन कहीं जाते दचकों में या जंप पे, इन पे कोई वो लेते हैं ना, यानी कि ब्रेक दाबते हैं, तो ये बंद हो जाती है गाड़ी। और प्रॉब्लम यही आ रही है इसमें। ये देखिए, ये हो गई बंद। ये देखिए, ये इस तरीके से अपना आप बंद हो रही है गाड़ी स्लो में। और जैसे कहीं भी अपन एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना, ब्रेक दबाते हैं, कोई जंप आ जाए, खड्डा आ जाए, तो उसमें भी यही पोजीशन आ रही है। अब देखिए स्टार्टिंग के टाइम में इसकी इंजन की आवाज़ देखिए, ये बोल रही है। ये देखिए, मतलब कि इसकी है ना, ये देखिए पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। और सुबह सुबह तो बहुत तगड़ा परेशान करती है ये, चाहे पेट्रोल पे करो चाहे गैस पे। अब इसमें पता प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, लेकिन इन चीज़ों से आपको बहुत बड़ा इशू बनाकर बता दिया जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम जो दिखा देता हूँ। देखो इसके है ना टेपे टाइट है, ये क्या धीरे धीरे गाड़ी चलती है तो धीरे धीरे हल्के हल्के टाइट हो जाते हैं साइलेंसर साइड के टेपे, तो वो टाइट होने की वजह से ये गाड़ी इतना वाइब्रेट कर रही है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रही है। और ये बंद हो रही है बार बार में, और सुबह यानी कि मॉर्निंग टाइम तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम दिखाती है स्टार्ट होने में। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई परेशानी है ना, तो दोस्तों यही चीज़ करनी है आपको, और कोई चीज़ नहीं करनी है। तो रुकिए, देखो मैं फ़िलहाल इसको बंद करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ देखो क्या सॉल्यूशन है। मैं खोल लेता हूँ टेपिट कवर पहले। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने टेपिट कवर खोल लिया इसका। अब आपको बीमारी में विस्तार में और हिंदी में समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे से, देखो, ताकि आप लोगों की गाड़ी में अगर ये परेशानी है तो आपको ये चीज़ें दिखवानी। इस परेशानी की वजह से दोस्तों बताऊँ क्या होगा आपके साथ। आपकी गाड़ी का कोई है ना, ये गैस का वेपराइजर, ये भी क्लीन कर देगा, आपकी टोटल बॉडी भी सफाई कर देगा, यानी स्कैन वगैरह सब कर देगा। यानी कि ये अगर आप ना, जैसे मान लीजिए आप स्कैनर लगवाते हैं गाड़ी में, चाहे आपकी गाड़ी इको है, चाहे वैन हो, चाहे कोई सी भी हो, स्कैनर लगाएंगे तो उसमें बीमारी पाएगी ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको मिस्टेक पाएगी नहीं, क्योंकि वो बीमारी बताएगा सिर्फ वायरिंग की, जो स्कैनर लगाते हैं ना। अब इसमें बीमारी मैं बताता हूँ दोस्तों, देखो आपको, देखो गौर से दिखाता हूँ। देखो पहले तो ये दिखाता हूँ, देखो ये इसका देखना, ये देखो इसमें चाल दिख रही ना आपको हल्की हल्की। अब ये वाला नीचे वाला देखो, इसमें बिल्कुल भी चाल नहीं है दोस्तों। यानी कि जो ये टेपिट है ना, ये वाले इस साइड के, मतलब कि यानी ये वाले साइड के, यानी गर्म जो साइलेंसर की तरफ आते हैं, वो टेपिट पूरे टाइट हैं इसके। अब उस वजह से क्या हो रहा है, इसका कंप्रेसर है ना प्रॉपर, यानी बाहर आने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको। तो इस वजह से ये गाड़ी है ना सुबह सुबह स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, और ये मिसिंग करेगी गाड़ी। प्लस पॉइंट है, स्लो में बंद होएगी गाड़ी, और गाड़ी में वाइब्रेट आएगा यानी बहुत तेज़, यानी गाड़ी स्लो खड़ी रहेगी तो पूरी बॉडी हिलेगी। ये सारी प्रॉब्लम इस छोटी सी इस टेपिट से आती है, देख लीजिए आप। अब इन चीज़ों का आपको बीमारी तो बड़ी सारी दिखती है वो, क्योंकि आपकी गाड़ी बंद भी हो रही है, आपकी गाड़ी की बॉडी भी आवाज़ कर रही है बहुत भयंकर, और आपका इंजन भी बहुत ज़्यादा हिलने लग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बीमारी बड़ी ही है। और फिर आप जैसे किसी गलत जगह पर लग जाते हैं तो वो क्या करता है, ये वेपराइजर भी खोल लेता है, टोटल बॉडी भी क्लीन कर देता है, और स्कैन लगा के स्कैनर भी लगा देता है, और आपसे आराम से 2-4 हज़ार रुपये ले लेता है। जबकि ये सिर्फ बीमारी, ये मान के चलिए। देखो मेरे यहाँ पर जो भी टेपिट वगैरह मिलाते हैं ना, इसके मैं 150 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक चार्ज करता हूँ। मैं सिर्फ ये टेपिट मिलाऊँगा और गाड़ी बिल्कुल झक हो जाएगी, तो मैं ये टेपिट मिला लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, आप खुद भी मिला सकते हैं वैसे तो, अगर ओमनी वगैरह ये है तो, लेकिन ये मैकेनिक से ही मिलवाएं तो बेस्ट रहेगा। तो मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे मिलाया जाता है, मैं खुद मिला देता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। देखो बता, चलो मैं मिलाता हूँ, पानी ले आता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको ना टेपिट को हल्का सा यूज़ किया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसमें देखो हल्की हल्की पीले आ गई ना, ये देखो साइड से भी दिखाता हूँ, देखो आ गई ना पीले। यानी कि जितनी इसमें पिले हैं ना ऊपर वाले में, उतनी पिले मैंने नीचे वाले में कर दी, यानी दोनों को बराबर कर दिया। अब क्या वाल है ना, यानी जैसे ही यानी टाइमिंग घूमेगी और पिस्टन जैसे ही यानी अपना रूटिंग पर आएगा, तो वाल भी अपने रूटिंग पर चलेगा। इससे क्या होता है, इसका रूटिंग ख़राब हो जाता है इंजन का। अब इन दोनों को और सेट करना है, तो अभी इनको घुमा कर इनको टॉप पर लेना पड़ेगा। यानी ये देखिए टॉप पर लेने के बाद में, यानी एक नंबर वाल को दोनों को फ्री करने के बाद में मिलाया जाता है। तो इसको तो मैंने मिला दिया, अभी दोनों को और मिला देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी की, देखो बॉडी की कंडीशन क्या है। यानी बॉडी बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगी और इंजन भी नहीं लेगा और बंद भी नहीं होएगी। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरफ है ना,
तो दोस्तों ये देखिए पूरे टेपिट मिला दिए हमने और इसके टेपिट हल्के हल्के से टाइट थे। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, स्टार्ट करती टाइम इंजन की आवाज़ ही अलग बोलेगी। ये देखो स्टार्टिंग यानी इतनी हाफ सेलअप हो चुकी है इतनी प्यारी। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, स्टार्टिंग यानी कि सिर्फ हल्का सा सेलअप लगाने में। ये देखिए यानी कि पूरी चाबी भी घुमाने की जरूरत नहीं है और स्टार्टिंग एक नंबर हो गई है। और ये देखिए ये तो पेट्रोल पे, अब गैस पे लेता हूँ गाड़ी को। अब ये देखिए दोस्तों एक्सीलेटर पे से भी पैर हटा दिया। और ये देखिए और यहाँ देखिए अब पूरे इंजन का देखिए आप, आवाज़ देखिए गाड़ी की कितनी साइलेंट हो चुकी है। बॉडी के अंदर कोई वाइब्रेट नहीं है, सिर्फ एक ये छोटी सी परेशानी से ये आती है दिक्कत। और इस छोटी सी परेशानी को आपको इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि ये भी खुलेगा, वो भी खुलेगा, वो भी खुलेगा, लेकिन सिर्फ दिक्कत होती है सिर्फ छोटी सी सेटिंग की। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई परेशानी है तो आप लोगों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी में जैसे मान ली ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सुबह सुबह वाइब्रेट दे रही है गाड़ी या सुबह सुबह गाड़ी दिक्कत दिखाती है, अगर ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना गाड़ी में, तो आपको सबसे पहले उसको टेपिट चेक कराना, कोई टेपिट टाइट तो नहीं है। क्योंकि टेपिट टाइट होते हैं गाड़ी चलने में भी प्रॉब्लम करेगी, गाड़ी स्लो में भी प्रॉब्लम करेगी, गाड़ी की बॉडी भी वाइब्रेट करेगी और इंजन भी तेज हिलेगा। ये सारी प्रॉब्लम एक सिर्फ टेपिट की सेटिंग आउट होने से आता है। और टेपिट की सेटिंग आउट होने का मतलब पूरा इंजन का रूटिंग आउट होना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सतर्क रहें और बचे रहें। और अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो वीडियो यानी मैकेनिकल लाइन के मामले में, अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने नंबर दूंगा। मेरे एंड से जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी जो मैकेनिकल नॉलेज है, जो पब्लिक प्रॉफिट की है, जो मेरे चैनल पर हमेशा अपलोड होती रहेंगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो आपके प्रॉफिट की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।